अभी मैं एडिटिंग ही कर रही थी तो मुझे पता चला कि अरे मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती की और यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही थी कल। तो यहाँ पे शिवा देखो वेट कर रहा है मटन बनने का। हेलो वाह, क्या खुशबू आ रहा है। गाइस, हाय। सो गाइस, आज भी एक बहुत ही मजेदार रेसिपी मम्मी आप लोग को बताने वाली है। वो है साउथ इंडियन स्टाइल मटन सूखा। तो आज मेरा वीडियो नहीं है, इसके बाद मैं मार्केट भी जाने वाली हूँ तो वो भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग ना रेसिपी देख लेते हैं मम्मी का। तो आज वीकेंड है तो मम्मी शिवा के लिए हमारे लिए स्पेशली मटन बनाएगी, तो मम्मी ने बोला चलो आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं। चलो फिर स्टार्ट करें। हाँ, तो मटन यहाँ पे ले लिया है, देखो एकदम फ्रेश मटन है, 2 किलो मटन है। 2 किलो मटन है। हाँ, वाओ, और एक मसाला फ्राई कर लेंगे, ये सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 6-7 सूखा लाल मिर्ची, 1 स्टार एनिस, 1 ब्लैक इलायची, 4-5 ग्रीन इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी के, 3-4 लौंग और 10-15 काली मिर्ची। इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मुझे तो लगता है ये काफी इजी रेसिपी होने वाला है गाइस, तो आप लोग भी जरूर जरूर ट्राई करना। तो जब तक ये भूनता है आप लोग बाकी इंग्रेडिएंट भी देख लो। हाँ, ये एक कोकोनट को ग्रेट कर लिया, ओके कद्दूकस कर लिया, और ओके करी पत्ता 10-15 कली लहसुन की चॉप कर लिया, अदरक 1 इंच की टुकड़ों को चॉप कर लिया, और ग्रीन चिली 3 चॉप कर लिया, और हमने प्याज को भी एकदम बारीक चॉप कर लिया। एक मटन में जाएगा, एक भुना में जाएगा, और मैं मटर भी डालूंगी क्योंकि एक रेस्टोरेंट में मैं मटन भुना खाई थी तो उसमें कोकोनट के साथ ये मटर भी था, तो मटर किसी भी चीज में रहता है तो टेस्टी ही रहता है। और अदरक लहसुन के पेस्ट, और मसाले में बस इसमें सारा मसाला है, हल्दी पाउडर जाएगा। तो गैस बंद कर दिया, अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छा खुशबू निकल गया। अभी उतार के इसको ठंडा करके इसका एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे। तो मसाला एकदम रेडी है, अभी मैं मटन को मैरिनेट कर दूंगी। सबसे पहले मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के नमक, ये है मम्मी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद मैं डालूंगी 2 चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल। वाओ, इसके बाद मैं डालूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट, वो भी 2 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के, और अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी 1 चम्मच भर के, और मैं डाल दूंगी 2 अनियन मीडियम साइज की बारीक चॉप करके, और जाएगा ये मसाला जो हमने अभी कूटा था। हाँ, ये 2 चम्मच भर के मैं अभी डाल दिया, और अभी मिक्स करूंगी। तो ये 2-3 चम्मच पानी डालूंगी मैं, ये अदरक लहसुन के जो जार था उसको धोके, क्योंकि मटन से बहुत पानी निकल जाएगा, और बाकी जो मटन पानी छोड़ेगा ना इसी से पूरा मटन बॉयल हो जाएगा और फिर ग्रेवी भी दिखने लगेगा, तो इसमें हमें ज्यादा ग्रेवी तो चाहिए नहीं। तो अभी मैं ढक के पकाऊंगी, मटन जब तक बॉयल होगा तब तक कम से कम 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो गाइस, मटन पक चुका है, मटन में सीटी आ चुकी है, ये देख लो। ओ माय गॉड, और पानी भी कितना निकल चुका है। हाँ, जबकि हमने पानी नहीं डाला था, तो मटन का पानी होता है। तो मम्मी ने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, 3 चम्मच घी डाल दिया, 3 चम्मच घी डाल दिया है, और यहाँ पे भी मम्मी ने गैस जला दिया है, ये भी थोड़ा सूख जाएगा। तो पहले मम्मी डालेगी लहसुन और अदरक। तो अदरक लहसुन के बाद हरी मिर्ची और करी पत्ता भी डाल दिया। अब मैं डाल दूंगी ये बारीक चॉप किए हुए ऑनियन, मिक्स करके अच्छे से भुनेंगे। तो ऑनियन को अच्छे से भून लिया, एकदम सॉफ्ट हो चुका है ऑनियन। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक ग्रेटेड कोकोनट, जो कि मेरा फेवरेट है। हाँ, और साथ ही साथ ये मटर भी, बहुत ही फ्रेश मटर है, कोकोनट भी फ्रेश है ना एकदम। अभी मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। तो मटन और कोकोनट भून चुका है और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रहा है। अभी मम्मी ये मटन उसमें डालने वाली है, और ये कोकोनट जब फ्राई होता है ना तो इससे भी थोड़ा ऑयल छोड़ता है। तो यहाँ पे शिवा देखो वेट कर रहा है मटन बनने का। वाओ, क्या खुशबू आ रहा है। हाँ, तो अभी मटन मम्मी डाल रही है, देखो सब मटन के लालच में भूखे खड़े हैं। ये कौन से एक्सप्रेशन है। तो मम्मी अभी अच्छे से भून रही है। हाँ, मिक्स करके अच्छे से भून मटर नारियल, और ये सूखा एकदम बनने वाला है, राइट। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट भून रहा है, और मम्मी अभी मसाला डालने वाली है जो बचा के रखा था। बाकी बचा मसाला डालूंगी,
और नींबू भी डालूंगी। तो एक लेमन के जूस निकल के डाल दिया और ऊपर से कुछ फ्रेश और करी पत्ता अभी मिक्स करूंगी। फिर इसको कितने देर भूनेंगे? अभी 2 मिनट। फिर थोड़ा हरा धनिया पत्ता डालूंगी ऊपर से। तो मटन पूरा अच्छे से भून चुका है, घी को अलग कर दिया, सारे मटन मसाला अच्छे से भून के अब मैं डाल दूंगी फ्रेश धनिया पत्ता। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। हाँ, बहुत ही अच्छे से बॉईल हुआ है, ये यहाँ से दिख रहा है मेरे को। हाँ, तो इसीलिए प्रेशर कुक कर लिया ना। अभी मिक्स हो जाएगा तो हो जाएगा ना। बस अब गैस बंद करेंगे और खाना खाने लगाएंगे सबको। तो मटन कैसे बना? मटन बहुत अच्छा है। वो जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाए थे सेम टू सेम मैंने मटर डाल के बनाया है, एकदम मस्त मस्त मटन है। तो गाइस मटन खा के हम लोग अभी मार्केट में आए हैं और बहुत लेट हो गया हम लोग को, मम्मी का वीडियो बन रहा था। तो अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और मुझे इयररिंग लेना है वो लेंगे, और यहाँ पे जो टेलर दिख रहे हैं ना उनसे एक दो चीज़ें हमको ऑल्टर करवाना था तो वो डाल दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले इयररिंग लेने, मतलब फेक इयररिंग ही लूँगी मैं, मेरे पास स्टड्स नहीं है तो मैं वो ले लूँगी। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर पर जाएंगे, उसके बाद हमें पैकिंग भी करनी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्टेकेशन के लिए। जो व्लॉग्स आपको मैडीज लाइफस्टाइल में मिल जाएगा तो उधर चेकआउट कर लेना। तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, ये देखो। और इसको जीजू का ही रुमाल सॉक्स सब दिखता है और लेके भाग जाता है। जो चीज मेरा सामान जो मैं डेली यूज करता हूँ सॉक्स, वो तो उठा के भाग जाता है। हाँ सच्ची में। तो कब सुधरेगा लड्डू? तो वही सुन भी रहा है बेबी चुपचाप। हाँ कब सुधरेगा बोल? कभी नहीं। तो ऐसा भी मुंह दिखा रहा है कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और मेरे जाने के बाद तू फिर वही। ये देखो इसको गाइस, देखो इसको, देखो ये कितना बदमाशी करता है। आजू बाजू इंसानों के साथ रहकर तू भी इंसान बन जा, तू भी समझदार बन जा। अभी कितने दिन? कभी नहीं समझदार बनेगा। सो गाइस आप लोगों ने देखा लड्डू को डांट पड़ रही है क्योंकि इसका रुमाल लेके भाग गया था। तो मैंने मार्केट में जाके और वीडियो नहीं बनाया, ये जो इयररिंग देख रहे हो यही मैंने लिया है, बस एक ही इयररिंग लिया है, ये देखो। तो अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और कल हम लोग निकलने वाले 3 दिन के लिए। तो पैकिंग मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ, और जो व्लॉग्स वगैरह रहेंगे ना स्टेकेशन के तो वो आप लोग मेडिस लाइफस्टाइल में देख लेना। तो अभी हम लोग पैकिंग करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो हमारी पैकिंग चल रही है और एज यूजल मेरा सामान बहुत ज़्यादा होता है, 3 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 1 दिन के लिए हो, मैं हर सामान लेके जाती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, तो पैकिंग करके मैं सो जाऊंगी। ये सुबह ऑफिस जाने वाला है और मैं अकेले ही वहाँ तक जाऊंगी तो वहाँ से ये मुझे रिसीव कर लेगा। तो आप लोगों से मैं सुबह ही मिलती हूँ। ओके गाइस तो मिलते हैं सुबह। सो गाइस मैं इतनी बड़ी भुलक्कर हूँ ना कि मैंने कल वीडियो ही नहीं बनाया है, मम्मी का वीडियो मैंने खत्म ही नहीं किया है। तो अभी एडिट करते करते मुझे पता चला, अरे मैंने तो कल बाय नहीं बोला था मम्मी के वीडियो में, तो अभी बोल देती हूँ। वो देखो एक इंसान अभी अभी उठा है। तो गाइस हम लोग स्टेकेशन के लिए आ चुके हैं और सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको मिलेंगे मैडिस लाइफस्टाइल में, ये मैं बोल चुकी हूँ। तो अभी हम लोग ना ताज लैंड में है मुंबई में, तो व्यू मैं आप लोग को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। घर से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है पर ऑब्वियसली स्टेकेशन है और 2-3 दिन हम लोग को थोड़ा ब्रेक चाहिए था काम से, पर इधर भी हम लोग एडिटिंग और काम ही कर रहे हैं। तो अभी मैं एडिटिंग ही कर रही थी तो मुझे पता चला कि अरे मैं कितनी बड़ी भुलक्कर हूँ। तो ना अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का जो हम लोग यहाँ पे है। एक बार ये व्यू देख लो गाइस प्लीज, इतना औसम है ना, रात को और भी ज्यादा औसम लग रहा था कल। ये देखो गाइस पूरा व्यू, और ये साइड, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना ये सीलिंग है उस साइड में, तो वो बाहर से कॉरिडोर से दिखता है। और ये सब सारे व्लॉग्स मैंने पूरे डिटेल में दिखाया है मेडिस लाइफस्टाइल में। और ये पूल है, कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती की और यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी कल, जो कि अगेन आप मेडिस लाइफस्टाइल के ब्लॉग में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फन है। तो गाइस हम लोगों ने बहुत 5-स्टार एक्सपीरियंस किया है, पर ताज
वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके गाइस, तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग मम्मी बनाएगी, मैं 2-3 दिन के लिए यहीं पे हूँ, तो आप लोग देख लेना नेक्स्ट व्लॉग मम्मी के साथ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।